सर्दियों में नाश्ते में खाई जाने वाली गुड़ और मक्खन वाली रोटी, जिसे सिंधी जुबान में बुसरी कहते हैं, ये कैसे बनाई जाती है और इसका जायका कैसा होता है, ये सब देखने और इसके अलावा खैरपुर सिटी में 60 साल पुराने सिनेमा समोसे और नीम के पेड़ के नीचे लगे ठेले वाले के मशहूर हलीम चावल, खैरपुर सिटी का पुराना शाही बाजार, ये सब देखने के लिए वीडियो में जुड़े रहे। ये ऊपर से पानी इसलिए लगाया ताकि जो है ना मिठाई इस पे अच्छे से जम जाए। ये पिसा हुआ गुड़ है, इसको यहाँ पे मिठाई भी कहा जाता है। अब इसके ऊपर ये जो है ना दूसरी रोटी रखी जाएगी, क्योंकि ये एक ही रोटी के अंदर नहीं बनता। पहले नीचे एक रोटी, फिर उसके ऊपर ये पिसा हुआ गुड़, फिर ऊपर दूसरी रोटी। तवे के ऊपर थोड़ा सा तेल का छिड़काव करके अब इसको जो है ना तवे पे ये डाल दिया जाएगा डबल रोटी को। ये सिलसिला तो यहीं तक था, ये पक गई, अब इसको प्लेट में उतारा जाएगा। असल गेम तो अब शुरू होगा भाई, ये असल गेम है भाई, खालिस मक्खन वाला। और जब तक ये मक्खन खालिस नहीं होगा ना, तब तक ये रोटी आपको बिल्कुल मज़ा नहीं देगी। और इसके साथ साथ आज नाश्ते के अंदर भाई ये प्याज कलेजी भी होने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, कोई भी नाश्ता इसके टक्कर का मैं नहीं समझता, क्योंकि मुझे वैसे भी पर्सनली ये बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ के मक्खन में ये बात है कि जब आप मुंह में जाते हैं ना, तो आपको उसकी स्मेल ही और उसकी चिकनाहट ही आपको बताती है कि भाई ये जो है ना खालिस मक्खन है। और सारा गेम ही, अगर मक्खन आपका खालिस नहीं होगा, गुड़ भी आपका जो है ना बेकार वाला होगा, रखा हुआ होगा, तो रोटी के अंदर वो मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा अभी मुझे आ रहा है। वैसे तो ये चीनी में भी बनती है, जिस तरह हम लोगों ने अभी जो है ना पिसा हुआ गुड़ डाला, उसकी जगह पे लोग चीनी का इस्तेमाल भी करते हैं, उससे भी बनाते हैं, लेकिन चीनी वाली में वो बात, वो मजा नहीं रहता जो इसमें रहता है। किसी भी रेस्टोरेंट का ब्रेकफास्ट बुफेट भी इस नाश्ते के टक्कर पे नहीं है भाई। ये नाश्ता मुझे इतना अच्छा लग गया कि ये सारे सामान जो है ना अभी हम लोग लेने जा रहे हैं अपने लिए, ताकि मैं कराची ले जाऊं। लेकिन एक मसला है, इसके अंदर जो पिसा हुआ गुड़ था ना, वो तो मुझे मिल रहा है, लेकिन मक्खन और शहद भी मैंने कहा था, तो यहाँ पे वो जो है ना ऐसे तैयार पड़े हुए नहीं होते कि जिस टाइम आपने बोला और आपको दे दिया। उसके लिए ये कि आपको एक दो दिन पहले बोलना पड़ता है, और फिर वो फिर ऑर्डर पे जो है ना तैयार करते हैं, फिर आपको जो है ना देते हैं। इतना बना बनाया मिलता नहीं है। तो अभी चल के जो है ना हम लोग पिसा हुआ गुड़ तो मैं लेने जा रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि आज रात की है मेरी टिकट और मैं निकल रहा हूँ कराची के लिए। तो अब ये मक्खन और शहद कैसे आएगा, ये मसला है। बहरहाल उसको कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे, ताकि किसी तरह से हम लोग कराची वो पहुंचवाएं। ठीक है, चलो जनाब पहले टिकट तो अपनी कटवा लें। टिकट हो गई जनाब, अभी बाजार चले बाकी सामान लेने। अभी हम लोग आ गए हैं शाही बाजार में, और शाही बाजार से मिलेगी हमें मिठाई, जिसको हम पिसा हुआ गुड़ जो है वो। ये बाजार भी यूटिलिटी है, ऑल इन वन। इस बाजार में भी आपको हर चीज़ मिल जाएगी, कपड़े भी, खाने की चीज़ें भी, जूते भी, मोबाइल भी, तो मतलब पंसारों की दुकानें भी हैं, तो भाई हर चीज़ है यहाँ पे। ये आ गया जनाब, ये देखें पिसा हुआ गुड़, ये भी है, ये भी है, काम चल जाएगा। और एक ये चीज़ है, ये देखें, ये है सफ़ेद सवैयाँ, गर्म पानी में बॉयल करके आप उनको निकालें, ऊपर से यही जो आपको मैंने दिखाया पिसा हुआ गुड़, वो ऊपर से छिड़क के। और बाजार में घूम फिर के ना एकदम से भूख लगने लगी, और जब भूख लगी तो भाई यहाँ पे हमने सोचा क्यों ना हलीम चावल खाया जाए, क्योंकि यहाँ पे है खैरपुर में ना एक सिविक सेंटर के पास है, नीम के पेड़ के नीचे हलीम चावल वाला है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना फेमस है। इतना बड़ा कोई इसका सेटअप नहीं है, ठेले पे वो बैठता है, बेचता है, और साथ में उन्होंने छोटी सी दुकान बनाई है जहाँ पे लोग बैठ के खाते हैं। बड़ा एक बेहतरीन सा सीन होता है, ठेले पे जो है ना इन्होंने पतीला रखा हुआ होता है बड़ा हलीम का, और वहीं पर जो है ना घोटे छोटे लग रहे होते हैं, नीचे से आँच जल रही होती है, गोटा सिस्टम भी चल रहा होता है, धड़ाधड़ प्लेटें भी बन रही होती हैं, चावल हलीम होता है ज़्यादा, तो फिर उसके ऊपर चावल थोड़े से रख के देते हैं, फिर ऊपर से सलाद डाल के देते हैं, और अचार होती है इनके पास पानी वाली, उसके ऊपर वो भी डाल के देते हैं, हैवी सा सीन बन जाता है। और ये हैवी सा सीन दरअसल कैसा है ये भी खा के चेक कर। मैंने एक चीज़ आपको कम बताई थी, वो थी फ्राइड अनियन भाई, ऊपर से फ्राइड अनियन भी डाल के दिए। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है कि आप हलीम ज़्यादा डलवा के चावल कम डलवाएं, या आप चावल ज़्यादा डलवा के हलीम कम डलवाएं, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह की प्लेट खाना चाहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लकड़ियों पे नहीं बना रहे, वो हलीम की जो वो देख बड़ी हुई थी ना, उसके नीचे जल रही थी गैस वाली आग, लेकिन इसके अंदर यार इतना ज़्यादा वो जो ना लकड़ियों वाली महक है, हलीम के अंदर
बहुत ज्यादा मीट फील नहीं हो रहा कि जिस तरह आप बोलते हैं कि यार इतना ज्यादा उसके अंदर मीट होता है ये वो, ये बड़ा पतला सा हलीम है और मीट भी एक लिमिटेड सा ही डला हुआ है इसके अंदर, लेकिन जो बात है अच्छा है। आप हलीम चावल आप कराची में खाएंगे या बाकी कहीं और जगह पे खाएंगे ना तो आपको ये टेस्ट नहीं मिलेगा, इनका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसके अंदर अचार भी डाली थी, अचार का पानी, लेकिन उस हिसाब से ये इतना ज्यादा खट्टा नहीं है। एक प्लेट की कीमत है टोटल 80 रुपए। तो भाई हलीम चावल के बाद जो है ना मुझे ज्वाइन कर लिया है जानदेव और जेजी भाई ने। जेजी भाई क्या हाल है आपके? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का। अच्छा लास्ट टाइम भी हम लोगों ने खैरपुर का ब्लॉग बनाया था तो हम दोनों साथ ही थे और उसमें हमसे एक चीज मिस हो गई थी, सिनेमा के समोसे। और सिनेमा के समोसे ना बकवाल इनके काफी कदीमी और बहुत ही मतलब जो है ना कई साल पुराने, बहुत ही ज्यादा इनका नाम है। और सिनेमा समोसे किस लिए बोला जाता है? साथ में सिनेमा भी है, सिनेमा है पुरानी ये। अच्छा ओल्ड सिनेमा है और मतलब वो उतना आईपाई वाला नहीं है, पुराना सिनेमा है, उसी के साथ जो है ना समोसों का सेटअप इन्होंने लगाया हुआ। वैसे ये है कि फेमस काफी ज्यादा है ये खैरपुर के भी माने जाने समोसों में से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम भैया, कैसे हैं? क्या नाम आपका? जी मेरा मोहम्मद होता है, नाम है इसे प्यार से विकी बोलते हैं। ये बताएं कि आपके सेटअप को कितना टाइम हो गया है? यानी मेरे को तो खुद क्या नाम है ना इसको ना 20 साल हो गए, मेरे बड़े को क्या नाम है ना 60 साल हो गए इसका। आपकी मतलब ये दाढ़ी मूछ भी यहीं पर ही आई? जी जी, छोटे से लेके बड़ा हुआ इधर ही हुआ। अच्छा ये बताएं आपके इन समोसों में क्या खास बात है? खैरपुर में बड़े मशहूर है यार, ऐसा क्या इनमें छुपा रखा, क्या डालते हैं आप? बड़ों की मेहनत है, बड़े मेहनत कर रहे हैं उन्होंने, माशाल्लाह बचपन से मेहनत करी है इस काम के अंदर। चटनी वगैरह जो है ये अच्छी बनाते हैं, कोशिश हमारी यही है कि हम लोग इसको साफ सुथरा बनाए और लोग ज्यादा इसको पसंद करते हैं। तो विकी भाई जी जी, हमें भी समोसे बना के तो चटनी मार के वैसे अक्सर हम लोगों ने समोसे खाए तो बहुत ही ज्यादा क्रंची होते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम लोग पक्की पापड़ी खा रहे हैं। इनके उस तरह के उस लेवल के क्रंची नहीं है, लेकिन यार इनके अंदर जो आलू का मसाला भरा हुआ है ना, यहीं से आपको शक्ल ही बता रही होगी कि मसाला इनका बड़ा चटपटा है। बाकी रही बात जो इन्होंने दो, एक तो इसमें चटनी डाल के थी, दूसरा है इनका अचार, दोनों ने जो है ना मिलकर एक अच्छा टेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया है जिसकी वजह से भी इस समोसे का टेस्ट मजीद बढ़ गया है। मतलब कुल मिला गया दाम है भाई, दाम है। हाँ तो जेजी हम लोगों ने समोसे तो फोड़ लिए, बताओ ये है कहाँ पर सिनेमा समोसे वाला? ये पंचकुला खैरपुर का मशहूर, उसके सामने जो है ना सिनेमा है, ओल्ड सिनेमा। हाँ बस वही उसका एड्रेस है, सिनेमा के बराबर में ही। अच्छा अच्छा, ये पंचकुला एरिया है? ये पंचकुला घंटाघर जिसको कहते हैं। पंचकुला घंटाघर के साथ ही ये देखिए ये गेट लगा हुआ है, ये गेट है इधर अंदर, ये वो सामने ओल्ड सिनेमा है, उसी के साथ ये समोसे वाला, तो जब ही इसको सिनेमा के समोसे यहाँ पे कहा जाता है। जैसी खाना तो हो गया, अब होना चाहिए पीना, और पीना भी भाई जिस तरह अभी सूरज ढल रहा है ना और थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने शुरू हो गई है, तो भाई मुझे कड़क सी चाय पिलाओ, VVIP खैरपुर की सबसे फेमस और कड़क चाय। ठीक है इंशाल्लाह चलते हैं वहीं पे। पहुंच चुके भाई हम चाय वाले होटल पे, और होटल तो जेजी अच्छा लग रहा है भाई। हम लोगों ने पकोड़े भी मंगा लिए हैं, हालांकि 50 रुपए के हम लोगों ने, 50 के मंगाए या कितने के? 35 रुपए के, 50-60 की होंगे ये, 60 के कहां 35 रुपए के लगे। पहले ठंड ऊपर से उतर रही, इतने ठंडे पकोड़े ले आया, अरे इधर आप किधर चला गया? लेकिन ठंडे पकोड़ों का हमारे पास एक हल है, ये आ गया ठंडा पकोड़ा, ये गरम चाय में आ गया, डिप हो गया ये। ऐसा जायका किसी ने भी नहीं लिया। अजान आ रही, अजान के बाद आते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं लुकमान, थोड़ा सा काम है ना, वो काम शाम हम लोग निपटाएंगे और इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। आपके साथ मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, और आगे अभी जो है ना ब्लॉग आएंगे कराची में, कराची से हम आपके साथ लाइव आएंगे इंशाल्लाह। अब मुलाकात होगी, अल्लाह।